पहली बार देख रहा हूँ शेड्यूल्ड कास्ट का जेडम शेड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों के खिलाफ काम कर रहा है। अगर इस आदमी ने अपने समाज के साथ न्याय किया होता तो क्या हम इसकी फाइव स्टार होटल में फेयरवेल नहीं करते क्या? और आप इसी तरह से अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम आपकी इस बुलंद आवाज के साथ हमेशा खड़े हैं और आपको समर्थन देते हैं। पर कल्याण संघ द्वारा दिल्ली के 5 सितारा होटल 5 स्टार होटल में उनकी विदाई समारोह का आयोजन करके एक इतिहास रचा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए समाज के अनुसूचित जाति समाज के हर अधिकारी एवं कर्मचारी के हितों को संरक्षित करने का कार्य किया। जोरदार तालियां। लेकिन आज अफसोस कि जिस क्षेत्र प्रबंधक को सामान्य जाति के क्षेत्र प्रबंधक होने के बावजूद अतिरिक्त क्षेत्र प्रबंधक के रूप में उसकी पदस्थापना कराने में संगठन ने भरपूर सहयोग किया और LIC के इतिहास में एक जोन में दो जोनल मैनेजर रहे अनूप कुमार साहब और उसके साथ में दिनेश भगत। और इस आदमी को जब जोनल मैनेजर लगाया गया तो इसको काम का बंटवारा करने में भी संगठन की भूमिका रही। लेकिन दुख है, दिनेश भगत जो अनुसूचित जाति समाज से आते हैं वर्तमान में क्षेत्रीय प्रबंधक नई दिल्ली के पद पर तैनात हैं और आज उनका विदाई समारोह है, यानी उनका लास्ट वर्किंग डे है। इस अवसर पर दिनेश भगत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज विरोधी अधिकारी कर्मचारियों का व्यापक स्तर पर जो उन्होंने नुकसान किया, अनुसूचित जाति समाज की विरोधी गतिविधियां उन्होंने की उसको अंजाम देने के विरोध में आज कल्याण संघ द्वारा 5 स्टार होटल में फेयरवेल करने के स्थान पर जीवन भारती बिल्डिंग कनॉट प्लेस नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। बात समझ में आई कुछ? एक JDM का स्वागत का फेयरवेल कहाँ हुई पर एक JDM का विदाई कहाँ हो रही है? अरे कहाँ हो रही है? विरोध प्रदर्शन के साथ। अरे यहाँ हो रही है। अगर इस आदमी ने अपने समाज के साथ न्याय किया होता तो क्या हम इसकी 5 स्टार होटल में फेयरवेल नहीं करते क्या? अरे बोलो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत करते नहीं करते? लेकिन इस आदमी ने आज 31 जुलाई को पूरे निगम में व्यापक स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हो रही है, पूरा उत्तरी भारत बाढ़ की चपेट में है तथा 31 जुलाई जो LIC का क्लोजिंग डे होता है इसके बावजूद भी आज हमारे सदस्यों ने इतनी भारी संख्या में क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली पर आना इस बात की पुष्टि करता है कि कल्याण संघ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। जोरदार तालियां बजाएं। श्री दिनेश भगत अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी कार्यशैली की बहुत बड़ी लिस्ट हमारे सामने है, केंद्रीय कार्यालय को समय समय अवगत कराया जाता रहा है जिसके आपके द्वारा दिनेश भगत के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है। दिनेश भगत ने क्या किया? हमारी एक बेटी थी समाज की, उसका नाम था सुनीता सिंह, वो कैंसर में बच गई। उसके बाद में क्या हुआ कि उस बिचारी को कोविड हो गया। हम लोगों ने कहा कि कोविड हो गया, इसको इसके घर DO3 ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। श्रीमान दिनेश भगत ने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया और बिचारी 1 महीने के बाद उसकी BL कपूर में डेथ हो गई। तो क्या अगर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो हो सकता है कि उसका जीवन हम बचाने में कामयाब हो जाते। लेकिन इस दिनेश भगत क्षेत्र प्रबंधक ने इस बेटी का ट्रांसफ़र नहीं किया, उसके उल्टे इसने RMP को भेजा, रवि कुमार को। BL कपूर में जब वो ICU में लेटी हुई थी उसके सिग्नेचर लिए गए, ट्रांसफ़र को वापस कराया गया और उसका नुकसान ये हुआ कि दिने जो बेचारा रवि कुमार RMP and IR JDM रैंक का अफसर था, जो चेयरमैन बनता 3 साल LIC के, वो बेचारा 1 महीने में उसकी बद्दुआ से लगी और वो रवि कुमार की यहाँ पर डेथ हो गई। समझ में आई बात नहीं आई? इसके बाद में केवल कृष्ण हमारा भाई है यहाँ पे कि बम्बई में होगा अभी उसका, क्योंकि उसका रिश्तेदार है। केवल कृष्ण जो है सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। केवल कृष्ण जो हमारा डेवलपमेंट अफसर से ABM सेल्स बना, उसको चंडीगढ़ जाना था, चंडीगढ़ नहीं भेजा गया, उसको डिप्रेशन में आ गया, डॉक्टर का इलाज किया, उसने सुसाइड करने की कोशिश की, परिवार के लोगों ने उसे बचाया और आज की डेट में उसका इलाज चल रहा है। हमारा कहना है कि केवल कृष्ण जो 36 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है उसको अगर चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता और अगर उसके जीवन में उसको कुछ होता है तो उसके लिए दिनेश भगत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार। अरे सही है गलत है?
इसके बाद में आपके जोन में कितने जोन मैनेजर थे लास्ट ईयर? 10 सीनियर डीएम आपके थे। कितने थे? 10। कितने थे? 10। आज घटा के कितने कर दिए? कितने हो गए? आज 4। 6 जेडम घटा दिए गए। पहली बार देख रहा हूँ शेड्यूल कास्ट का जेडम, शेड्यूल कास्ट के अधिकारियों के खिलाफ काम कर रहा है और 10 सीनियर डीएम इंचार्ज से घटा करके उसने 4 एसडीएम इंचार्ज कर दिए। क्या इससे समाज का भला हुआ या बुरा हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ। अरे बोलो, बुरा भला? बुरा हुआ, भला हुआ? इसके बाद में कल्याण संघ मांग करता है कि हमारे एसडीएम इंचार्ज की संख्या बढ़ा करके ये 10 की जाए। 5। इसके बाद कपूर सिंह को 4 साल हुए, जालंधर का सीनियर डीएम थे, उनको 4 साल में, जबकि 5 साल का प्रावधान है, उनको 4 साल में हटा दिया गया है एसडीएम इंचार्ज से। इस टाइप की एक्टिविटी यहां पर हुई है। इसके बाद में हमारा जो विनोद कौल, जो हमारा क्षेत्रीय अध्यक्ष है, वो चीफ मैनेजर बना, उसको पहले उठा करके अमृतसर में पठानकोट लगाया गया। उसके बाद जब हमने दबाव बनाया तो उसको अमृतसर की मोगा ब्रांच में लगाया गया। आज के डेट में वो मोगा में है। इस आदमी ने उसका आज तक ट्रांसफ़र वापस यहाँ पर जो है जालंधर में नहीं किया है। इसके बाद में जो हमारे डेवलपमेंट अफसर थे, इंटर जोनल जो डेवलपमेंट अफसर ट्रांसफ़र होने थे, सारी फाइल इसने अपने पास रख ली। आज तक बिचारों का जो भोपाल से आना था, जो जबलपुर से आना था, जो जयपुर से आना था, एक भी डेवलपमेंट अफसर का ट्रांसफ़र इसने 2 साल में नहीं कि हमारी मांग है कि हमारे समाज के जो बच्चे परेशान हैं उनके ट्रांसफर किए जाएं और तुरंत वो अपनी नई जगह पर आके स्थान ग्रहण कर। इसके बाद 3 साल हो गए क्लास 3 में, हमारी बच्चियां शादी हो गई। शादी होने के बाद भी 3 साल के बावजूद भी ये आदमी उन लोगों का ट्रांसफर इसने नहीं किया। हमारी मांग है कि हमारे जिन बच्चों ने 3 साल पूरे कर लिए हैं निगम पॉलिसी के तहत, उनको वापस जहां वो ट्रांसफर चाह रहे हैं उनको ट्रांसफर किया जाए। ऐसे ही डबल ओ कैडर में हुआ, डबल ओ कैडर में भी जिन लोगों ने 3 साल पूरे किए उनके ट्रांसफर आज तक नहीं किए गए हैं, जबकि निगम पॉलिसी के तहत उनका ट्रांसफर तुरंत हो जाना चाहिए था। इसके बाद राजीव जौली जो सीनियर डीएम DO3 है, उसके खिलाफ तो बड़ी लंबी फहरिस्त है जो हमने बार बार आपको पढ़ के सुनाई है। उसने क्या क्या अत्याचार किए हैं पूरी लिस्ट इसमें है, ये हमने सेंट्रल ऑफिस को भेज दी है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो आज का हमारा रिजोल्व, जो हमारा ये मांग पत्र है, क्या आप इसको पास करते हैं? हाथ उठा कर बताओ, पास? 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 तो मैं अब चाहूँगा कि हमारे फेडरेशन के सीनियर लीडर, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे पास जय भगवान बौद्ध जी हैं, वो भी आज आए हैं फेडरेशन की तरफ से। तो मैं चाहूँगा वो भी इस मौके पर 2 शब्द का जोरदार तालियां जय भगवान बौद्ध जी के लिए। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। हमारे बड़े भाई माननीय KP चौधरी साहब, सेक्रेटरी जनरल महासंघ, और सभी LIC के साथियों, सभी को मेरा पुनः जय भीम। जय भीम। राष्ट्रीय संगठन महासंघ जो है वो आपके हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहेगा, पहले भी खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव हूँ होने के नाते, हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 80,000 कर्मचारी हैं, आज से पहले भी LIC के साथियों के साथ वो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं, और भविष्य में भी ऐसा ही आपको सहयोग मिलता रहेगा। तो जितनी मजबूत एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन LIC ऑफ इंडिया की है, हम पूरे देश में उसकी मिसाल कायम करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए, और आप इसी तरह से अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, हम आपकी इस बुलंद आवाज़ के साथ हमेशा खड़े हैं और आपको समर्थन देते हैं। जय भीम, जय भारत।